किचन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो चटनियों की रेसिपी। दोनों बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। एक तो हम बनाएंगे अमचूर की मीठी सौंठ और दूसरी हम बनाएंगे हरे धनिए की चटनी, जिनके बिना चाट अधूरी है। तो आइए देखते हैं दोनों चटनियों की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं भी पसंद आ रही तो भी अपना फीडबैक दीजिए कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा और आप क्या देखना चाहते हो। तो आइए देखते हैं दो चटनियों की रेसिपी, ग्रीन चटनी एंड मीठी सॉल्ट। हरी चटनी बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। 1 कप हरा धनिया है, 1/2 चम्मच काला नमक है, 1/4 टीस्पून भुना साबुत जीरा है और 1 नींबू का रस है, सॉल्ट है टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी मिर्चें हैं 3, 1 अदरक का टुकड़ा है छोटा सा और 1 टेबल स्पून है ये बारीक वाले सेब, आप इसे नायलन सेब भी कह सकते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह बूंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में हमने लिया है 1 टीस्पून ही अमचूर पाउडर है, 1/4 टीस्पून है हींग और 1 टेबल स्पून है पानी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रीन चटनी। अब हम मिक्सी के जार में हम ये हरा धनिया डाल लेंगे। हरा धनिया आप अच्छी तरह इसको धो लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, हम डालेंगे इसमें काला नमक, साथ में हम डालेंगे 1 नींबू का रस, भुना साबुत जीरा और हरी मिर्चें 3, अदरक का टुकड़ा और अमचूर पाउडर है 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हम हींग डालेंगे इसमें, बारीक सेब। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई लोग दही यूज़ करते हैं, कई लोग टमाटर भी यूज़ करते हैं, पर आप दही और टमाटर अगर आप यूज़ करो तो आपको कि चटनी नेक्स्ट डे तक उसमें स्मेल आ जाती है, इसलिए आप अच्छा रहे कि आप लेमन जूस का इस्तेमाल करें। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और अब हम उसका ढक्कन लगाकर इस चटनी को पीस लेते हैं। चटनी पीस गई है, इसे मैं एक बर्तन में खाली कर लेती हूं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है चटनी का। आप इसे 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ना ये खराब होगी ना ही इसका कलर चेंज होगा। आप सैंडविचेस वगैरह बनाते हो उस पर भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। अब हम मीठी चटनी के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। मीठी चटनी बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने लिया है 1/4 कप खटाई है, हम खटाई की चटनी बनाएंगे अमचूर की। अगर आपको इमली की बनानी हो तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, आप 1 कप इमली लेकर उसको 1 घंटे के लिए भिगो दें और उसका पल्प निकाल कर अमचूर की जगह आप इमली का इस्तेमाल कर लें। साथ में हमने लिया है 1/2 कप गुड़ है, 1 कप चीनी है। मसालों में जो जो लिया है वो देख लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून ही भुना जीरा पाउडर है, सॉल्ट है टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून हमने लिया है काला नमक और 1/2 टीस्पून ही हमने गरम मसाला लिया है और हम इसमें थोड़े से मेवा डालेंगे, तो ये मैंने खरबूजे की गिरी ली है 1 टेबल स्पून और थोड़ी ही किशमिश ली, ये भी 1 टेबल स्पून है। आप चाहो तो इसमें छुआरे भी ऐड कर सकते हो, कई लोग अंगूर डालना पसंद करते हैं, केले की भी बनाते हैं सॉल्ट, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो और साथ में हम लेंगे 1 गिलास पानी। तो आइए बनाते हैं मीठी सॉल्ट। मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया, इसके ऊपर एक मैंने बर्तन रख दिया है, उसमें मैं डाल दूंगी 1 गिलास पानी। बहुत आसानी से बन जाती है, झटपट बन जाती है ये वाली सॉल्ट। अब इसमें मैं डाल दूंगी अमचूर पाउडर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। हम जो इसमें शुगर के साथ गुड़ ऐड कर रहे हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा
और वैसे भी मीठी सॉस के बिना तो कोई भी चाट अधूरी होती है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, हाफ कप गुड़ लिया है। इसे मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है तो ये घुल जाएगा वैसे जैसे। और ये हम डालेंगे इसमें शुगर, इसे हम हिलाते रहेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। देखिए मीठी सॉस में उबाल आने लग गया है, अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह लो फ्लेम पे पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और जो हमने गुड़ भी डाला था और चीनी डाली थी वो अच्छी तरह पक गई है। चेक करने के लिए हम इस तरह से एक प्लेट ले लेंगे और हम इसको देखेंगे। अभी ये नीचे की तरफ काफी लिक्विडी फॉर्म में है, अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा और पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब हम एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। देखिए अभी ये हमारी सॉस बनके बिल्कुल तैयार हो गई है जैसी हमें चाहिए थी। देखिए अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने डाल दिया गरम मसाला और हम डाल देंगे काला नमक, हम डाल देंगे सॉल्ट। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे नहीं तो ये और गाढ़ी होती जाएगी। भुना जीरा, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है। कई लोग शॉर्ट में कलर का इस्तेमाल करते हैं पर मैंने कलर का इस्तेमाल नहीं करा है। अब हम इसमें डालेंगे खरबूजे की गिरी और किशमिश। आप चाहो तो इसके अंदर छुआरे भी यूज कर सकते हो। छुआरों को पहले भिगोकर उसे बारीक बारीक लंबा काट के आप इसको इसमें वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, फिर मैं इसको एक बर्तन में खाली कर लेती हूँ। हमने मीठी चटनी को खाली कर लिया है एक बर्तन में। देखिए कितनी ही यम्मी और टेस्टी लग रही है देखने में। और हमने जो पहले बनाई थी ग्रीन चटनी हमारी वो भी तैयार है। हमारी दोनों ही चटनियाँ बहुत अच्छी बनी हैं। आप ग्रीन चटनी का भी कलर देखिए कितना अच्छा आया है, आप इसको 2-3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। और ये जो मीठी वाली चटनी है आप इसको कम से कम 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो, यही कहीं ख़राब होने वाली नहीं है क्योंकि हमने इसको आधे घंटे से भी ऊपर पकाया है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स अगर ये मीठी चटनी और खट्टी चटनी दोनों की ही रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।